वेयर टू इन्वेस्ट एंड वेन टू इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट करना कब है, इन्वेस्टमेंट करना कहाँ है, तो पांच ऐसी चीजें बताऊंगा जहां पर आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी को और तगड़ा खींच सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट कब से स्टार्ट करनी है, वेयर टू इन्वेस्ट वेन टू इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना कब है वो भी आपको बताऊंगा एक छोटे से क्वोट के जरिए। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले वॉरेन बफेट का आपको मैं एक लाइन बताता हूँ, क्वोट बताता हूँ, मोटिवेशनल लाइन भी आप इसको कह सकते हैं अगर आप शेयर मार्केट की जर्नी को एज ए सीरियसली यहाँ पर लेते हैं। तो उन्होंने कहा था कि भैया जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट है वो 13 की एज में स्टार्ट कर दी थी 13 की उम्र में, और मैं अगर लिटरली बताऊं तो एक भी सब्सक्राइबर अभी ऐसा नहीं होगा जो 12-13 की एज में होगा, इक्के दुके चलो मान के लिए निकल भी जाते हैं तो भी उन्होंने ऐसी इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से स्टार्ट नहीं की होगी, क्योंकि 13 भैया बहुत कम उम्र होती है। वॉरेन बफेट का यह कहना है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट को 13 में स्टार्ट कर दिया, 14 में स्टार्ट कर दिया, फिर भी वो लेट थे। मतलब हम कह सकते हैं कि भैया सबसे ज्यादा जो मूल चीज है, सबसे ज्यादा जो मोस्ट चीज है इन्वेस्टमेंट में वो है टाइम, समय हमें सबसे पहले यहाँ पर देखना पड़ता है कि भैया टाइम जो मैनेजमेंट है उसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमें यहाँ पर मानना पड़ता है कि भैया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कब से करनी है। छोटी से छोटी एज से अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जाती है तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग चक्रवर्ती ब्याज से बहुत तगड़े रिटर्न निकाल कर देती है। सबसे पहला बताता हूँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पांच चीजें लगातार यहाँ पर बोलने वाला हूँ। सबसे पहला है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया जिस प्रकार से ट्रेडमार्क्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, ट्रेड सीक्रेट्स हो गए, इन पर हम इन्वेस्टमेंट करके काफी तगड़े रिटर्न्स यहाँ पर कमा सकते हैं। एक एक वीडियो, एक एक टॉपिक पर एक पूरा वीडियो आएगा तो उनके लिंक्स भी लगातार आते रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं छोटे छोटे शब्द में यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहला होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कलाकृति हो गई, कला हो गई, और ट्रेडमार्क्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, ट्रेड सीक्रेट्स हो गए, ये आते सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। सेकंड आता है हमारा रियल एस्टेट में, जो सफलता की बिजनेस की श्रेणी है उनमें सेकंड नंबर पर माना जाता है कि भैया जो रियल एस्टेट का बिजनेस है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लेकिन जिस दिन से हम इसे बाय करते हैं तब से इसके जो भाव है लगातार बढ़ते जाते हैं, चाहे रेंटल हो, चाहे वर्कशॉप हो, रेंटल जो प्रॉपर्टी होती है या फिर जो भी हम जमीन को बेचते हैं खरीदते हैं उनमें काफी तगड़े रिटर्न हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, सेकंड हमारा रियल एस्टेट हो गया, तीसरा आता है हमारा क्रिप्टो का। क्रिप्टो करेंसी हालांकि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है लेकिन अपनी नीड के हिसाब से पर्सन इसमें एंटर कर सकता है। अगर उनको कम रिटर्न चाहिए तो भैया स्टॉक्स में जा सकता है, अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए तो यहाँ पर इसमें आ सकता है, लंबे समय के लिए रिटर्न चाहिए तो रियल एस्टेट में जा सकता है। इस प्रकार से सारी श्रेणियों के यहाँ पर मैंने चीजें लिखकर रखी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, रियल एस्टेट हो गया, उसके बाद में क्रिप्टोज हो गया जहां पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डिनो, डोजकॉइन, शिबा इनू, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है। लेकिन जितना कम इन्वेस्टमेंट किया जाए मेरे हिसाब से उतना ज्यादा बढ़िया जाएगा, बिकॉज ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है और जो बिगिनर्स है उनके लिए तो बिल्कुल भी ये चीजें नहीं है, क्योंकि लोगों में पेशेंस होता नहीं है और ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होने की वजह से बहुत ज्यादा ऊपर या फिर नीचे आता है, जिसकी वजह जो इन्वेस्टमेंट है कभी भी लिक्विडेशन की तरफ से जा सकती है। चौथे पर आता है हमारा शेयर मार्केट के जो शेयर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, हिस्सेदारी बाजार हो गया, जहां पर हम शेयर मार्केट में जो स्टॉक्स है शेयर को है होल्ड कर सकते हैं, इंटरडे ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं, ये हो गए मुख्यतः चार। पांचवी चीज है खुद पर इन्वेस्टमेंट करना, खुद को टाइम देना। आप अकेले बंदे बनकर कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं मोस्टली, क्योंकि जब तक आपके लिए लाखों लोग काम नहीं करेंगे जो अपना इंटेलिजेंट दिमाग वहां पर यूज करेंगे, तब आप बिलियनर से बिलियनर किस प्रकार से बनते जाएंगे। मनी अर्निंग करना अलग चीज होती है, वेल्थ क्रिएट करना अलग चीज होती है। एप्पल हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जो मालिक है वो कमवेल अपने ऑफिस में अपने 10 घंटे देते हैं या 7 घंटे देते हैं, लेकिन उनके लिए लाखों इंटेलिजेंट एम्प्लॉय अपना पूरा दिन यहाँ पर देते हैं, तब कहीं जाकर वो उनके यहाँ पर पैसा छपता रहता है। एक छोटा ना छोटा बिजनेस आज स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। भारत में भी आपको पता है शार्क टैंक जब से स्टार्ट हुआ है न जाने कितने प्रकार के स्टार्टअप भारत में लॉन्च होते जा रहे हैं, और इसी प्रकार से अगर एक यूनिक आइडिया आपके पास में है तो बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं, अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि भैया अगर आपको बिलियनर की लिस्ट में आना है तो सबसे ज्यादा जो मेन चीज है वो बिजनेस ही है, क्योंकि आप बिजनेस को बहुत ही तगड़े तरीके से एम्पलीफाइमेंट कर सकते हैं। तो यही थे आज के पांच पॉइंट जो मैंने आपको बता दिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसी प्रकार से नई नई वीडियोस डेली चैनल पर आती रहेंगी।